हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए मार्केट एनालिसिस स्टूडियो में। तो दोस्तों, भी आज के इस स्टूडियो में हम देखेंगे 1 जून के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रहेंगे हमारे पास ट्रेड करने के लिए। तो वो आज के इस स्टूडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बाकी आज क्या हुआ, क्या हमने लेवल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए थे, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलिए अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी देखो, आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले कहूँगा कि कैसा रहा आज का आपका दिन। आशा करूँगा कि आज का दिन आपका शानदार रहा होगा। शानदार इसीलिए कि जो हमने कल यहाँ पर व्यू बनाया था, जो डिस्कशन यहाँ पे किया था, तो एग्जैक्टली अगर कहें तो पिन टू पिन लेवल्स के हिसाब से, और जहाँ से हमने सेलिंग की बात की, जहाँ से हमने बाउंस की बात की, तो एग्जैक्टली जो भी व्यू था उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला है। परंतु अगर दूसरी साइड भी देखें तो बहुत से लोग यहाँ पर ट्रैप होते हुए देखने को मिले हैं। मतलब बहुत से लोग यहाँ पर फंसे हो गए, जो जिन्होंने मतलब बात नहीं मानी। मैं 2 दिन से लगातार आपको मैं यहाँ पर बताता आ रहा हूँ, इन दिनों में भी मैं बताता आ रहा था कि यहाँ पर अभी मार्केट में मेरे को स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ज़बरदस्ती ऊपर लेके जा रहा है ना। तो वो तो सब ठीक है, वहाँ पर हम देख रहे थे कि लेवल्स हमारा ब्रेकआउट हो रहा है, हम बाय कर रहे हैं, है ना। तो लेवल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो हम वहाँ पे हम पोजीशन लेंगे। परंतु ट्रैप कौन से लोग होंगे, जो एक डेटा और अमेरिका के न्यूज़ आंकड़े, है ना, वो सब, बाकी कुछ यूट्यूबर्स के, जो ट्रेडर कम यूट्यूबर ज़्यादा होते हैं, डेली उनका जैकपॉट लगता है, धमाका होता है, ब्लास्ट होता है मार्केट में, है ना। 5-10 पॉइंट का मोमेंटम होगा, यहाँ पर भी 2 दिन कई लोगों का धमाका ब्लास्ट हुआ है, जो जो 5 पॉइंट का मोमेंटम लेके ऐसा ऐसा थंबनेल लगा कि जो कुछ लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर मैं ट्रैप हो गया, ऑपरेटर ने मेरे को ट्रैप कर दिया, ये वो फलाना ढिंकाना। तो हकीकत आपको मैं समझाऊँ ना, तो आप एक्सेप्ट करना सीखो कि यहाँ पर कोई आपको ऑपरेटर या जो कोई बड़ा पैसा वाला, जो बड़ा ट्रेडर है, FII DII, आपको यहाँ पर ट्रैप नहीं करता है। ट्रैप आप खुद हो रहे हो, जो आपका एक भड़कीले थंबनेल, भड़काऊ मतलब एक जैकपॉट धमाके वाले थंबनेल, जो फेक एक चंद व्यू के लिए आपको खींचे जाते हैं, मतलब और कुछ नहीं होता, बस वो ऑप्शन चेन खोल के यू बैठ जाते हैं, थंबनेल लगाते थे, 5 पॉइंट का मूवमेंट आया, देखो मैंने बोला था ना कल कॉल में यहाँ पर ब्लास्ट होगा, आपको 5 पॉइंट यहाँ पर मिले, है ना। तो ये सब चक्कर में मत पड़ो। हर टाइम आपको मार्केट में सिर्फ डेटा डेटा और अमेरिका का ये डेटा, ऑप्शन चेन, FII बाय कर रहा है, DII बाय कर रहा है, मार्केट बुलिश है, बुलिश है, यहाँ से ऑल टाइम हाई आएगा, अप ट्रेंड आएगा, तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि FII DII के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ चार्ट को देखो, ऑप्शन चेन पे भी कभी कभार नज़र डालो, वो भी कब, एक जब एक सिचुएशन हो तब, मतलब वो भी आप रेगुलर ट्रैक करोगे पता चल जाएगा। आप डेली यहाँ पे वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कब ऑप्शन चेन देखते हैं, कब कौन सा डेटा क्या देखते हैं, नहीं देखते हैं, कब यहाँ पे इंडिकेटर्स को हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर लगा के देखते हैं, नहीं देखते है। तो आप सब रेगुलर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हम सिंपल सी, अगर आप जो अभी हमारे पुराने ट्रेडर्स जो यहाँ पर हमारे डेली व्यू यहाँ पर देखते हैं, उनको पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख के यहाँ पर कोई ना तो ऑप्शन चेन लगाते हैं, ना कोई और इंडिकेटर्स, यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे तो वो भी एक 10, 20 और 200 EMA लाइन है, और कुछ यहाँ पे मैं कोई यूज़ नहीं करता हूँ, है ना। और इसको भी खास करके मैं एनालिसिस में मतलब यूज़ नहीं करता हूँ, जब लाइव मार्केट में मैं कई बार यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये सिंपल सा सेटअप हमारा यहाँ पर रहता है। मैं आपको लास्ट 2 दिन से भी पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर अभी हमें थोड़ा सेल साइड, 2 दिन से मैं कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि थोड़ा अभी सेल साइड थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट आनी चाहिए। किस हिसाब से, कि अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आनी चाहिए। बाकी अगर मैं चार्ट को यहाँ पर देखता हूँ, कैंडल्स को यहाँ पर देखता हूँ, तो उसके हिसाब से भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर अभी ये कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस है, या एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक या जो भी आप कहो कि एक फॉल आना चाहिए, सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो वो आज यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला है ना। तो जो भी था, जिन लोगों ने अगर वीडियो देखा है, प्रॉफिट बनाए, अच्छी बात है,
आशा करूंगा बाकी लोग भी यहाँ पर अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तो लॉस नहीं होना चाहिए, अपना कैपिटल यहाँ पर सेफ रहना चाहिए। तो अभी भी कहूँगा गैप अप या गैप डाउन के चक्कर में मत रहो। गैप अप गैप डाउन से यह क्या लेना देना, मैं ट्विटर पे कई लोगों को देखता हूँ, कई लोगों के ऐसे थंबनेल फोटो ऐसा देखता हूँ मैं कि भैया कल होगा 100 पॉइंट का गैप डाउन, 500 पॉइंट का गैप डाउन, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप डाउन गैप अप होगा। अरे भैया उससे क्या मतलब हमें, उससे क्या हमें क्या फ़र्क क्या पड़ने हो, क्या गैप डाउन को आप ट्रेड करने वाले हो? अगर आप हाँ बाई चांस मान लो कि आपने पुट लेके होल्ड करके गए हो तो फिर आपको फायदा हो सकता है ना। अभी हम मान लो कि कुछ लेके नहीं गए, अभी चिल्ला रहा है कल 100 पॉइंट का गैप डाउन होगा गैप अप होगा, है ना। तो भैया क्या उससे मेरे को क्या मतलब, गैप डाउन के बाद उसके बाद क्या करना है सिंपल सा वो मेरे को बताओ। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया था है ना कि उसके बाद हमें क्या करना है, वो तो बताएगा नहीं भाई, ये गैप डाउन होगा वो होगा फलाना ढिमकाना, है ना। तो चलिए सब छोड़िए जो भी है जाने दो, मेरे को उससे भी क्या अभी ज़्यादा है ना। तो बाकी आपको भी खुद सोचना है कि क्या करना है नहीं करना है, परंतु डेटा के चक्कर में खास करके कुछ दिन डेली डेली नहीं करना है, क्योंकि हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जो FIDA जो एक्शन लेने के बाद वो आपको पता चलता है कि आज उन्होंने क्या किया, आज पता नहीं ये क्या किए। पर मान लो कि अभी ये जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज ये सैली किया होगा, पर जब इन दिनों में अगर आपने देखा होगा, एक दिन मैंने बीच में देखा था तो वो बाइंग का कुछ था उनका डेटा, तो आपने उनकी बाइंग देख के दूसरे दिन सुबह आपने कॉल बाय किया होगा, है ना। तो मतलब वो एक्शन ले लेते हैं, बाद में आपको पता चलता है शाम को 6 बजे कर रहे हैं आज FIA ने 1,500 करोड़ का बाय किया, तो कल मार्केट ऊपर जाएगा। होता क्या है, आज उन्होंने बाय किया, उन्होंने एक्शन ले लिया, मतलब उनका तो काम हो गया, बाय करके बैठ गए पूरा दिन। दूसरे दिन शाम को आप देखते हो बाय किया, दूसरे दिन आप सुबह होगा आप वहाँ पे कॉल बाय करोगे, भैया बाय करके गए आज मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बाय करोगे, वो आके क्या करेगा बेच देगा जैसे कि आज का। अरे उन्होंने एक्शन ले लिया, पहले से बाय करके बैठे है ना, अभी उनका देख के आप वहाँ पे बाय खरीदने जाओगे, उनका तो काम हो गया, प्रॉफिट हो गया, यहाँ से तक यहाँ तक आ गया मार्केट, अभी वो क्या करेंगे बेचेंगे, और बेचेंगे कहाँ। आप उनका डेटा देखने के बाद जाओगे भैया इन्होंने बाय किया है हम भी बाय करेंगे, यहाँ पर आप बाय करते हो वो यहाँ पे बेच देते, मार्केट आ जाता है तड़ाम से नीचे, आप फंस गए, है ना। तो डेटा ही ज़्यादातर आपको फंसाता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि डेटा 100% यहाँ पे फेक होता है, परंतु एक लिमिट या समय की कभी कभार मार्केट की सिचुएशन और मार्केट के माहौल को देख के समय को पहचान के उसके बिहेवियर को देख के आपको डेटा देखना होता है हर टाइम। डेटा डेटा मार्केट क्या, US मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे SGX क्या कर रहा है, वो सब हमें नहीं देखना है। देखो आज भी अभी नेगेटिव है ना, पूरा डेटा कन्वर्ट हो गया ना, अगर यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन चेन में क्या है देखना, आज मेरे ख्याल से आज पूरा डेटा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए FIDA का जो भी देखो, अभी उनका भी हम देखते हैं उन्होंने क्या किया है आज। मैं ज़्यादातर यहाँ पर देखता ही नहीं हूँ कि ये FIDA यहाँ पे क्या चल रहा है उनका, है ना। तो अभी थोड़ा नेट का स्लो चल रहा है यहाँ पर, अभी मैंने शायद परसों देखा था ऑप्शन चेन पॉजिटिव था पूरा डेटा। आज भी अगर देखो चार्ट के हिसाब से मैं क्लियरली यहाँ पर पहले से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया, अगर आप यहाँ पर फंस गए होगे। सीधा हम टोटल नंबर की अगर बात करें तो कॉल राइटिंग 24,56,000 और यहाँ पे 20 लाख, देखो हो गए ना पूरा कन्वर्ट। यहाँ पर अभी एड और बात की करें देखो ये पूरा ये लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हो आप कैसे फंसे हो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये 18,500 में इन द मनी जाके यहाँ पर कॉल राइटिंग कर देखने को मिली, मतलब एक मंथली एक्सपायरी है। और कॉन्फिडेंस भी देखो भैया इन द मनी जाके अंदर निफ्टी में सेल कर रहे हैं ये कॉल राइटिंग। अभी बैंक निफ्टी में अगर देखे, बैंक निफ्टी तो सबसे ज़्यादा बुलिश था यहाँ पर, बैंक निफ्टी में क्या है सिर्फ नंबर को देखना है, यहाँ पर क्या है 23 लाख और 18 लाख, देखो ये भी पूरा एक ही दिन में चेंज हो गया ना पूरा। और देखो यहाँ पर अनवाइंडिंग, और यहाँ पर भी आप अगर देखो इन द मनी कुछ हुआ है क्या, यहाँ पर कुछ खास इन द मनी नहीं, पर वही 44,000 रुपये यहाँ पर बैठे हैं अभी भी, तो वही हालात जो
मैं यहाँ पे बताने आ रहा हूँ, कल से 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि जो एक व्यू था हमारा पहला, क्या व्यू था एक आपको मैंने बताया था, अगर इसके नीचे जाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में सेम लेवल है, उसी था हमारा पहला व्यू, क्या था कि एक गैप फिलिंग का व्यू रहेगा और उसके बाद हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और आज क्या हुआ, वही सेम यहाँ पर सिनेरियो आया, गैप फिलिंग किया और एग्जैक्टली जो लेवल्स हमने बनाया था वहीं से हमें एक बाउंस आता हुआ देखने को मिला। अभी देखो, अभी कल क्या करना है, कल एक्सपायरी डे है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर अभी क्या व्यू, क्या कौन से लेवल्स हैं यहाँ पर, अगर मैं चार्ट को पूरा रिमूव ड्राइंग कर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो, एक तो देखो ये अभी फिलहाल ये सीनारियों के हिसाब से अगर देखने जाए तो मार्केट में क्या व्यू बन रहा है कि मार्केट में मतलब एक अप ट्रेंड चालू था, गैप अप ओपन हुआ और गैप फिल करके फिर से अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आगे और कंटिन्यू करना चाहिए, फिर एक ऐसा मतलब एक अप ट्रेंड यहाँ पे होना चाहिए। तो दूसरा अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर यहाँ पे देखता हूँ तो दूसरा व्यू यहाँ पे क्या बनेगा कि जो बॉक्स इसने बनाया यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, मतलब बहुत ही टाइम कंसोलिडेशन किया है, तो रेसिस्टेंट भी मेरे ख्याल से एक अच्छे खासा यहाँ पर अभी ये बन के रहेगा, उतनी आसानी से भी ये ब्रेक नहीं करेगा। पहले बहुत से लोगों को यहाँ पे बोल या बेयर किसी भी को फंसा सकता है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ही यहाँ पर सच रहूँगा, यहाँ पर हमें बेयरिश साइड ही लेके जाना है, परंतु मैं सिंपल सा आपको एक ही वर्ड में यहाँ पर एक ही लाइन में कहता हूँ, लेवल्स पे ध्यान दो, लेवल्स ब्रेकआउट हुआ, एंट्री लो, ब्रेकडाउन हुआ एंट्री लो, कॉल पुट जो भी बाय करना है वहाँ पर बाय करो, सेल करना है सेल करो, टारगेट आता है अपने लेवल्स के हिसाब से, जैसे कि आज यहाँ पर कहा था क्या वहाँ भी एक बार आप बुक करके निकल जाना, या तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना, फिर हम वहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर हम देखेंगे जो एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है उसके हिसाब से यहाँ पर उसका पुल बैक यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मान लो कि अभी भी यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा 80,430, यहाँ से एक हमें ये पुल बैक और फिर से एक अप ट्रेंड की, अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर जो हमारा चालू है अप ट्रेंड, फिलहाल यहाँ तक ये पुल बैक आ सकता है और यहाँ से फिर से हमें एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। तो कल अभी भी मैं कहूँगा कि एक डाउन साइड के लिए थोड़ा देखना है, कल भी थोड़ा ध्यान रखो, फिर इन लेवल्स के आसपास आने तो मैं अभी लेवल आपको बताता हूँ। तो मैं ये आपको यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर अभी फिलहाल ये सीनारी अभी देखें यहाँ पर, तो इसके हिसाब से क्या बन रहा है, मेरे इंडिकेटर्स के हिसाब से क्या बन रहा है यहाँ पर, ये सिंपल सा मैं चार्ट बिहेवियर, प्राइस एक्शन और मैं जो इंडिकेटर जो यहाँ पर लगा है वो मैंने जो कुछ इस इनका बिहेवियर मैंने समझा है उसके हिसाब से मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसके बारे में थोड़ा जो मेरा स्ट्रेटेजी है इंडिकेटर्स के ऊपर वो आपको कहीं थियरी पे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरी मेहनत का परिणाम है, मैंने इसको कहीं टाइम मतलब सालों तो नहीं कहूँगे, सदियों नहीं हुआ है, मैं बस ये 2017 के बाद से मार्केट में यहाँ पर आया हूँ है ना। तो जो भी मैं यहाँ पर समझाऊँ बिहेवियर ये लास्ट 1-1.5 साल में, भले इतने 4-5 साल हो गए मार्केट में, पर ऐसा भी नहीं कि मैं 4-5 साल से मतलब एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट कब से हुआ, एक्सपर्ट भी नहीं कहूँगा, पर यूँ कहो कि जानकार की एक अच्छा खासा अभी प्रॉफिटेबल अपना ट्रेड जर्नी निकाल सकूँ, ऐसा अभी ये मान लो 2 साल से यूँ पकड़ के आप चल सकते हो है ना, हालांकि उससे पहले भी थोड़ा टाइम ले सकते हो, पर एग्जैक्टली थोड़ा परफेक्टली अगर देखने चाहे तो 2 साल आप पकड़ के चल सकते हो। तो जो भी ये मैं सीखा यहाँ पर 3-4 साल में, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये ब्रेकडाउन हुआ है कंसोलिडेशन का, और ब्रेकडाउन और एक कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट, और एक हो सकता है आगे हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ये कौन सा टाइम फ्रेम के हिसाब से जाएगा, अभी जो धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर बन रहा है क्या होगा ये जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल से ही ये पूरा अपना बड़ा टाइम फ्रेम की रचना यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर की यहाँ पर ये रचना होती है। तो इसके हिसाब से ये अभी थोड़ा और मेरे हिसाब से यहाँ पर नीचे आना चाहिए। तो अभी चलिए लेवल्स की अगर बात कर ले, सिंपल सा क्या करना है कल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और वीडियो तो आप पूरा देखते हो नहीं, बाद में आधा अधूरा बस कुछ लोग आते हैं लेवल्स लेके निकल जाते हैं है ना, हो गया काम फिर आके फंस गए, हालांकि ऐसा कोई किस्सा बना नहीं है, यहाँ पर एक भी कमेंट आया नहीं कि भैया तुम्हारे वजह से यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, क्योंकि वैसा एक भी मौका हम यहाँ पर देते ही नहीं है। तो चलिए अभी बातें चलिए छोड़ते हैं,
अभी निफ्टी में कल क्या करना है, निफ्टी में सिंपल से अभी लेवल्स के ऊपर मार्क कर ले कि अभी निफ्टी जब तक ये हमारे पास रेसिस्टेंट हो गया, इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। इसके नीचे हमें सेल करके, मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि अभी सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज कब होगा कि जब हमारा यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होगा, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। हम जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई भी डेटा या जो भी न्यूज़ व्यूज जो भी है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से चलने लगे। तो अभी लेवल्स पे ध्यान देना है। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव हमें वहाँ पे व्यू बनाना है तो प्रीवियस स्विंग लो हमारा यहाँ पर आएगा, जो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ 80,200 का यहाँ पर अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट है। तो ये ब्रेक होगा तभी हमारा एक व्यू का हो कि सेल ऑन राइज, जो भी व्यू बनेगा लो उस टाइम आपको मैं बता दूंगा। तो अभी वो व्यू नहीं है, यहाँ पर आपको लेवल्स पे बता दूँ कि इसके ऊपर हम बाय करके चल सकते हैं। पर कैसे कि एग्रेसिव व्यू नहीं बना, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सॉरी स्कैल्पिंग ट्रेड कहो, या तो फिर आप छोटे छोटे ट्रेड या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहाँ यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ तक का आपका रेंज रहेगा ऊपर की साइड जो 80,660 का, इसके बाद ही आप एग्रेसिव बुलिश व्यू यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद ही हमें कोई अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। बाकी अभी सेलिंग की अगर बात करो तो सेलिंग हम कहाँ करेंगे, सेल साइड की अगर बात करें तो आज के दिन का लो, आज के दिन का लो और लेवल्स की अगर यू बात की जाए तो 80,500 का लेवल्स अगर ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं, जो पिछले दिनों का क्लोजिंग पॉइंट भी है और एक अच्छा खासा आज का मतलब स्विंग लो भी है आज का। तो ये ब्रेक होता है 500 के नीचे हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। और पहले अगर वन डे के हिसाब से अगर हम देखें कि ये कहाँ तक अच्छा खासा सपोर्ट हमारे पास, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे कौन सा मिलेगा, तो ये 80,400 का लेवल हमारे पास रहेगा। यहाँ तक ये नीचे आ सकता है फिलहाल, क्यों ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकता है, अप ट्रेंड के हिसाब से मैं मतलब यहाँ से ये फिर से आगे एक बाउंस की ओर जा सकते हैं। इसके बाद ही हम कोई बियरिश मतलब एग्रेसिव तो नहीं परंतु लेवल टू लेवल एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। हो सकता है मेरे ख्याल से एक यहाँ से भी बाउंस देखने को मिल सकता है, परंतु आपको सिंपल सा लेवल्स पे ध्यान देना है। जैसे कि अभी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के दूँ कि ऐसे भी बन सकता है कि मान लो ये आया ये नीचे, इसे एक हाई लो, एक यहाँ से फिर से बाउंस, फिर से आप यहाँ से व्यू आप ऐसा बना सकते हो। परंतु एक बार यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना ही है, फिर हम देखेंगे कि बाउंस के बाद यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको समझ लेना है कि अभी फिर से ये 18,600 के पार जाने वाला है। परंतु इसके नीचे ही फिर से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर आप समझ जाओ कि अभी नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ तक ये नीचे आगे आ सकता है। परंतु ये लेवल्स पे ध्यान दो आप, अगर इसके नीचे सेल करना है यहाँ पे हमारा पहले एक बार फुल प्रॉफिट करना है 18,400 के ऊपर, इसके बाद फिर अगर ब्रेक करता है तो ही हम दूसरा ट्रेड यहाँ पे नीचे बनाएंगे। तो ये सिंपल सा सेटअप हो गया निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी सेम वही कहूँगा, लेवल्स पे ध्यान दो, लेवल्स अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है तो ही हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। देखो यहाँ पर अगर डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो सेल कब करेंगे, ये वही ही बक्सा मतलब जो बॉक्स आपको रेक्टेंगल यहाँ पे बना के दिया था 44,070 या 44,000 पकड़ के चलो, इसके नीचे ही हम सेल साइड के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा आज के दिन का लो 43,820 का, और सेकंड सपोर्ट हमारे पास रहेगा ये 43,600 और ये 43,400 हमारे पास लास्ट सपोर्ट रहेगा। यहाँ तक नीचे आ सकता है और यहीं से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 200 EMA भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करूँ कि एग्रेसिव बियरिश कब जाना है हमें, कि प्रीवियस स्विंग लो अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई जैसे जितना निफ्टी में स्ट्रक्चर क्लियर है उतना यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। परंतु देखें तो ये वाला कंसोलिडेशन मतलब ये पकड़ो उसका जोन का जो लोअर एरिया जो सपोर्ट एरिया है 43,400 का, इसके नीचे ही हमारा एक सेल ऑन राइज वाला व्यू एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। 100% नहीं कहूँगा, उस टाइम आपको लाइव मार्केट में मैं बता दूंगा। बाकी आप वहाँ पर ट्विटर पे भी हमको फॉलो कर
कर सकते हो। वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे कॉल एंड टिप्स नहीं देता हूँ। कभी कभार जैसे कि आज का दिन था, जब लगता है कि यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, मतलब कुछ ट्रेडर यहाँ पे फंस सकते, तो वहाँ पे मैं अपडेट डाल दिया करता हूँ। तो ये लेवल्स हो गए हमारे पास सेलिंग के लिए। नीचे आपके पास सपोर्ट, हमारे पास ये आ गए, अगर इसके नीचे ब्रेक हुआ तो ये आपको पास सपोर्ट की तरफ ये काम कर सकते हैं। और बाइंग की अगर बात करूँ तो देखो, बाइंग के लिए अगर मैं कहूँ तो एक तो फिलहाल 44,250 इसके ऊपर आप बाई के लिए सोच सकते हो, परंतु एग्रेसिव नहीं, छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड बना सकते हो या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हो। बाकी एग्रेसिव बाइंग हमारे पास 44,500, इसके बाद ही हमें अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो यहाँ पर बाय करते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलो, स्कैल्पिंग करते हो तो इसके बाद हमें 44,350, फिर हम ये गैप फिलिंग पकड़ कर चलो, फिर इसके बाद नया ब्रेकआउट यहाँ पर सोच सकते हो। तो ये रहेगा हमारे पास बैंक निफ्टी का सेटअप। तो बस वीडियो हम इधर ही ख़त्म करेंगे। वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।